रात के 8 बज रहे थे। पोस्टमार्टम रूम की तरफ डॉक्टर विनय लाश का पोस्टमार्टम करने जा रहे थे कि तभी उसे अपने साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज आती है। विनय को लगता है कि शायद उसके कदमों की आवाज है, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी वह अचानक रुक जाता है। उसके साथ साथ वह आवाज भी रुक जाती है। ओह, मैं तो खामखा ही डर रहा था, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है सिवाय मेरे। मुझे अपना काम करने जाना होगा। मैं फालतू की चीजों से ध्यान हटाकर अपने काम की तरफ ध्यान लगाता हूँ, मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। ये ठीक है मेरे लिए। विनय एक बार फिर अपने पोस्टमार्टम रूम की तरफ जाता है और थोड़ी देर बाद वह लाश का पोस्टमार्टम करने लगता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। मेरा पोस्टमार्टम काफी अच्छे से करना, अगर मुझे थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो तू मर जाएगा। यह सुनकर मानो विनय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। विनय डरता डरता उस लाश का पोस्टमार्टम करने लगता है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। फोन की आवाज सुन विनय डर जाता है और उसके माथे पर पसीने आते हैं। जब वह अपने फोन की तरफ देखता है तो वह लंबी सांस भरता है और खुद से बोलता है, थैंक गॉड यह फोन रिंग थी, मैं तो डर ही गया था। कुछ देर बाद विनय लाश का पोस्टमार्टम करके अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसको एक बार फिर रास्ते में किसी की आवाज आती है। विनय, तुमने मेरा पोस्टमार्टम बहुत ही अच्छे से किया। विनय एक बार फिर डर जाता है और अचानक अपने बाइक को रोक कर वह पीछे देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं कोई नजर नहीं आता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ भेड़े की आवाज आ रही है। थोड़ी देर बाद विनय अपने घर पहुंच जाता है और अपने घर पर जाकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाता है। तभी उसको शीशे में एक भयानक परछाई दिखती है। यह देख विनय बहुत डर जाता है और डर के मारे अपने कमरे की तरफ भागने लगता है। तभी उसके फोन की घंटी एक बार और बजती है। विनय फोन को हाथ में उठाकर देखता है, उसके हेड ऑफिस से फोन आया हुआ था। हेलो जी, सर बोलिए। हेलो विनय, कल से तुम्हारी एक हफ्ते की छुट्टी है, तो अपने घर पर आराम से एक हफ्ते का रेस्ट ले लो और तुम्हारी जगह डॉक्टर विकास पोस्टमार्टम के लिए जाया करेंगे। इतना सुन विनय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है और थोड़ी देर बाद वो फोन रख देता है। अगली रात विनय के पास डॉक्टर विकास का कॉल आता है। हेलो डॉक्टर विनय, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ विकास, बोलो क्या बात पूछनी है। क्या तुम्हें भूत और प्रेत के ऊपर विश्वास है? कैसी बात कर रहे हो तुम, लगता है तुम बहुत डर गए हो पोस्टमार्टम करते करते, क्योंकि मैं भूत और प्रेत में विश्वास नहीं रखता। वैसे तुम इस तरह भूत और प्रेत की बात क्यों कर रहे हो? यूं ही बस ऐसी पूछ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता सिवाय मेरे और इस लाश के। कुत्ते के रोने की आवाज। खैर छोड़ो, मेरे पास पोस्टमार्टम करने के लिए अभी 2 लाशें पड़ी हुई है, मैं उन 2 लाशों का पोस्टमार्टम कर देता हूँ, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर विकास फोन रख देता है और लाश के पास चाकू लाकर उसका पोस्टमार्टम करने के लिए आता है कि तभी उस लाश की अचानक आँख खुल जाती है और लाश हवा में उड़ते हुए दीवार पर चिपक जाती है। यह देखकर विकास बहुत डर जाता है और डर के मारे वो भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता क्योंकि उसके सामने दूसरी लाश भी खड़ी हो गई थी। उन दोनों लाशों को देख विकास इतना डर जाता है कि अब उसे कोई होश ही नहीं था कि वह जाए तो जाए कहाँ। विकास अब भागने लगता है कि तभी अचानक पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद वह लाश विकास के पैरों को पकड़कर घसीटते हुए पंखे पर उल्टा लटका देती है। यह देख विकास डरते हुए उनसे कहता है, तुम कौन हो, मुझे जाने दो, मैं तो यहाँ अपना काम करने आया हूँ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि यहाँ पर पोस्टमार्टम के नाम पर काला धंधा चालू है और इस धंधे के बीच हम दोनों मारे गए थे। धंधा? कैसा धंधा? उसकी आवाज सुनकर दोनों लाश एक भूतिया सिपाही में तब्दील हो जाते हैं और उन्हें अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं, आज से 5 महीने पहले कश्मीर में हुए ब्लास्ट में मैं और सोनू भी घायल हो गए थे और उसी दौरान हमें इस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन यहाँ के डॉक्टर विनय ने अपनी जेब गर्म करने के लिए हमें मृत घोषित कर दिया, लेकिन हम मरे नहीं थे क्योंकि पोस्टमार्टम रूम में कोई नहीं आता, इसलिए डॉक्टर विनय हमें यहाँ लेकर आया और हमारा पोस्टमार्टम करने के दौरान हमारे दिल को और हमारी किडनियों को निकाल बेच दिया और तब से हमारी आत्मा भटक रही है। हमने उसको मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार हमसे बच जाता है क्योंकि उसके गले में एक तावीज है जिसकी वजह से हम उसे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, अगर इसमें तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे, और अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो तुम्हारा भगवान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। उसकी आवाज सुनकर विकास बिना कुछ सोचे समझे उनको हाँ कह देता है और फोन करके अर्जेंटली विनय को पोस्टमार्टम रूम में बुलाता है। कुछ समय बाद विनय आ जाता है, जहाँ देखता है कि विकास अकेला कुर्सी पर लाश के सामने बैठा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। उसको रोता हुआ देख विनय विकास को कहता है, विकास तुम इस तरह क्यों रो रहे हो?
विकास तुरंत उठता है और विनय को गले लगा लेता है और गले लगने के दौरान विकास विनय के गले से वह ताबीज निकाल फेंकता है और जैसे ही वह ताबीज निकालता है वैसे ही दोनों भूतिया देशभक्त सिपाही उसके सामने आ जाते हैं। उनको देख विनय अब डर जाता है और डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूतिया सिपाही अपने भूतिया शक्ति से पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। उसके बाद चाकू और कैंची से दोनों भूतिया सिपाही विनय के शरीर का चीड़ फाड़ कर देते हैं। यह सब देख विकास बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब पुलिस वहां आती है तो विकास से पूछताछ करती है, लेकिन विकास किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं था। ऐसा कह सकते हैं विकास की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। बस पर एक भूतिया सिपाही हमला करता है और एक एक करके वो बस पे सवार सभी लोगों को मारने लगता है। किसी की वो मुंडी धड़ से अलग कर देता है तो किसी की आंखें नोच लेता है। बचे कुचे लोग उसे देखकर बस से उतरकर भागने लगते हैं, पर भूतिया सिपाही उनका पीछा कर उन्हें अपनी बंदूक से मारने लगता है। पर यह भूतिया सिपाही इन लोगों को क्यों मार रहा है, क्यों वो इतना खून खराबा पर उतारू है, आइए जानते हैं। एक साल पहले राजीव सेना में भर्ती हुआ था। वह अभी नया था, उसे कुछ ज्यादा पता नहीं था, ऊपर से उसके साथी भी उसको ज्यादा मदद नहीं करते थे, इसलिए दीपक को चीजें समझने में थोड़ा समय लग रहा था। एक दिन की बात थी। राजीव, आज रात तुम्हारी बॉर्डर पर तैनाती है। हमें हमारे खुफिया विभाग से जानकारी मिली है कि रात को कुछ आतंकवादी सीमा पार करके भारत में प्रवेश करने वाले हैं और उनका इरादा 26 जनवरी को देश में उपद्रव मचाने का है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं उन आतंकियों को अपनी सीमा में घुसने नहीं दूंगा। गुड राजीव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रात को राजीव और उसके साथ दो और सिपाही सीमा पर खड़े रहकर निगरानी करते हैं। ठंड का मौसम था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सिपाहियों को ठंड भी लग रही थी, इसलिए उन्होंने वहीं थोड़ी सी आग जला ली और उसके पास बैठकर हाथ सेकने लगे। राजीव की नजरें अभी भी बॉर्डर पर ही थी, जबकि उसके दो साथी नींद में खो चुके थे कि तभी सीमा पार से एक बस आती हुई राजीव को नजर आती है। राजीव अपने साथियों को उठाने लगता है। छोटू उठो, देखो वहां से कोई बस आ रही है, चलो उसे रोकते हैं। सोने देना, कल से जागी तो रहे। महेश सर उठिए, नहीं तो आतंकवादी हमारे देश में घुस जाएंगे। राजीव उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वो दोनों नहीं उठते। तब राजीव ही उस बस के पास जाता है। उतरो बस से, मुझे बस की तलाशी करनी है। अरे कुछ नहीं है, बस कुछ लोग हैं, वो भारत घूमने जा रहे हैं। तुम मुझे मत बताओ क्या है और क्या नहीं, हटो। राजीव बस के अंदर घुस जाता है। अकेला होने के कारण वो सभी आतंकवादी राजीव को पकड़ लेते हैं। बात चल रहा है ना तू, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ, अली काट दे गर्दन साले की। इससे पहले कि वो अली नाम का आतंकवादी राजीव का गला काटता, उससे पहले ही राजीव उसे धक्का दे देता है और अपनी बंदूक से उन पर हमला कर देता है। उधर से वो आतंकवादी भी राजीव पर गोली चलाने लगते हैं। मेरे जीते जी, मैं तुम्हें अपने देश में घुसने नहीं दूंगा, तुझे और तेरे देश के हर नागरिक को मार देंगे, भारत का नामो निशान मिटा देंगे। तभी आतंकवादियों की एक गोली राजीव के सीने को चीर देती है, पर राजीव तब भी हिम्मत नहीं हारता और अपनी बंदूक से बस में सवार सभी आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ गोली चला देता है, जिससे सभी आतंकवादी मर जाते हैं और वो बस आखिरकार खाई में गिर जाती है। भारत माता की जय। हमारे एक जवान सिपाही ने कल आतंकवादियों को रोकने के लिए अपने प्राण को निछावर कर दिया, हमें फक्र है राजीव पर। ऐसे ही एक साल बीत जाता है। देश में सब अच्छे से चल रहा था, पर फिर जब 26 जनवरी आने वाली थी तो दुश्मन एक बार फिर से भारत के अंदर त्राहिमाम मचाने का प्लान बनाते हैं। जब तक हमारी सांसें हैं हम भारत देश को पनपने नहीं देंगे। पिछली बार तो हम नाकामयाब रहे थे, पर इस बार नहीं, इस बार हमें किसी भी कीमत पर भारत में घुसना है और जो मिशन अधूरा रह गया था उसे पूरा करना है। जाओ मेरे शेरो, मिटा दो भारत को और अपना परचम फहरा दो। फिर से दुश्मन अपनी बस में सवार होकर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। इरादा उनका पिछली बार की तरह था, देश को मिटाना, पर इस बार भारत देश को इस बारे में कोई भनक भी नहीं थी। बस पाकिस्तान बॉर्डर पार करके भारत की सीमा में घुस जाती है। वाह मजा आ गया, इस बार तो हमें किसी ने रोका भी नहीं,
अब हमारे मकसद को पाने में हमें कहीं नहीं रोक सकता। मरेंगे भारत के सब लोग, मरेंगे। वो सभी आतंकवादी खूब खुश हो रहे थे और अपने हथियारों को हवा में लहरा रहे थे कि तभी उनके बस के ऊपर अचानक से गिरने की आवाज आती है और कुछ दूरी पर वो बस एक पेड़ से टकरा जाती है और तब एक भूतिया सिपाही उस बस के अंदर आता है। हंस लो, क्योंकि ये हंसी बस कुछ देर की है। मेरे होते हुए तुम लोग मेरे देश को कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हारा मिशन कामयाब नहीं होने दूंगा, ये राजीव का वादा है। आतंकवादी अपनी बंदूक उठाकर उस पर गोली चलाने लगते हैं, पर उनकी बंदूक की गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, उल्टा वो तो जमीन पर गिर जाती है। अरे बम निकालो, बम इस भूत के, अभी मैं चिथड़े उड़ा दूंगा। वो बम निकालकर उस भूत पर फेंकते हैं, पर वो बम भी फंस हो जाता है। भारत पर कब्जा करने चले हो और बम ऐसे रखते हो। आतंकवादी सारे बम उसके ऊपर फेंक देते हैं, पर सारे बम जमीन पर गिरकर फंस हो जाते हैं, जिसे देखकर सब आतंकवादियों के गले सूखने लगते हैं और एक एक करके राजीव बस में सवार आतंकवादियों को मारने लगता है। किसी की वो मुंडी धड़ से अलग कर देता है तो किसी की आंखें नोच लेता है। बचे कुचे लोग उसे देखकर बस से उतरकर भागने लगते हैं, पर भूतिया सिपाही उनका पीछा कर उन्हें अपनी बंदूक से मार देता है। मैं एक भूतिया सिपाही हूँ और मेरे होते हुए तुम मेरे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक मैं हूँ अपने देश पर आंच नहीं आने दूंगा। भारत माता की जय। भानुगढ़ स्टेशन पर ट्रेन की आवाज आती है। सभी यात्री स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी हॉर्न की आवाज देते हुए स्टेशन पर रुक जाती है। गाड़ी को देख सभी लोग खुश हो जाते हैं और खुशी से अपने अपने डिब्बे में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और उन्हीं यात्रियों में से चार दोस्त, शेखर, नेहा, विपुल, नीरज, चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए सफर कर रहे थे। अरे नेहा, देख तो तेरा आशिक तेरे पीछे कैसे डोल रहा है। ओ शट अप नीरज, तुम बिना न जाने कैसी बात करते हो। यहाँ भला मेरा आशिक कौन है? अरे हमारा शेखर, वही तो है तेरा आशिक। ओ विपुल, तुम भी ना। इस तरह सभी हंसने लगते हैं कि तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है और अचानक ट्रेन के रुकने पर सभी लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, अरे ये ट्रेन अचानक क्यों रुक गई? पता नहीं, पर रुकी भी कहाँ है? देखो तो चारों ओर जंगल ही जंगल। अरे इस भयानक जंगल में ट्रेन क्यों रुक गई है? अरे बहन, ये ट्रेन लाइन चेंज कर रही होगी इसलिए ट्रेन रुक गई है। इसमें घबराने वाली क्या बात है, अभी चल पड़ेगी थोड़ी देर में। सभी पैसेंजर एक बार फिर से शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन ट्रेन को रुके हुए 2 घंटे हो चुके थे और वह ट्रेन अभी तक चली ही नहीं थी। यह देख एक बार फिर से ट्रेन में लोगों के बीच बुदबुदाहट शुरू हो गई। सभी पैसेंजर आपस में बात करने लग गए। अरे भैया, हमका तो डर लागे है, अरे 2 घंटा से ऊपर हो गया लेकिन ये ट्रेनवा अभी तक ना ही चली है। बोले तो तुम बिल्कुल सही रही हो बहन। अरे हम सभी लोगन को या तो टीटी से बतियावे के चाही, ना ही तो डायरेक्टेड ड्राइवर से बात करे के पड़ी। उन सभी पैसेंजर्स को आपस में बात करता हुआ देख नेहा सभी को शांत करवाते हुए कहती है, अरे आप सभी लोग शांत हो जाइए, कभी कभी सिग्नल में प्रॉब्लम हो जाती है और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में घंटों लग जाते हैं, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखिए। हाँ, तू ही तो टीसी लग रही है यहाँ की जो सभी को शांत करवा रही है। अरे इनको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि गाड़ी 2 घंटे से रुकी है? अरे विपुल चुप हो जाना, ट्रेन में अफरा तफरी मची है, इसे तो अच्छा है कि उनको कोई ना कोई बहाना देकर शांत करवा दिया जाए। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी भेड़िए की आवाज आने लगती है और सामने से एक ट्रेन हॉर्न मारते हुए सभी को आते हुए दिखाई देती है। यह देख सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं और डर के मारे धीरे धीरे करके गाड़ी से उतरने लगते हैं, लेकिन जो भी गाड़ी से नीचे उतरता है वह सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि उन लोगों को मार कौन रहा था, क्योंकि गाड़ी को जंगल के बीचों बीच रुके हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। आखिर कौन है जो लोगों को इस तरह से मार रहा था? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नेहा और विपुल ट्रेन से नीचे उतरते हैं, जहां वो देखते हैं कि उस ट्रेन के सामने एक ट्रेन खड़ी है। उन दोनों ट्रेनों के बीच में जो दूरी है उसमें सिपाही और आतंकियों की मुठभेड़ चल रही थी। यह देख नेहा और विपुल के होश हवास उड़ जाते हैं। विपुल, जो मैं देख रही हूँ क्या तुम भी वो देख रहे हो? हाँ नेहा, जो
तुम देख रही हो वही मैं भी देख रहा हूँ। इसका मतलब जो भी पैसेंजर उतर रहा है उनको कोई और नहीं बल्कि ये भूत मार रहे हैं। हमें सभी पैसेंजर्स को आगाह करना चाहिए, नहीं तो वो एक एक करके नीचे उतरेंगे और ये भूत उन्हें भी मार डालेंगे। इतना कहकर नेहा और विपुल दोनों ही ट्रेन के ऊपर चढ़ने वाले होते ही हैं, लेकिन उन्हें तेज रोशनी दिखाई देती है और वह रोशनी कोई मामूली रोशनी नहीं बल्कि ट्रेन की लाइट थी। उनके सामने एक ट्रेन आ रही थी। वो खुद को बचाने के लिए जल्दी जल्दी ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विपुल का एक पैर कट जाता है। बेचारा विपुल दर्द में तड़पता हुआ पैसेंजर के पास जाता है और नेहा के साथ सारी बात बता देता है। यह सारी बात सुनकर ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उन सभी लोगों को भागता हुआ देख शेखर बोलता है, हम लोगों को एकजुट होना चाहिए, ना कि ट्रेन में अफरा तफरी मचाकर इधर उधर भागना चाहिए। अगर हम लोगों में से कोई भी अलग हुआ तो शायद वह ना बचे, इसलिए हम सभी को एक साथ इस खतरे का सामना करना चाहिए। लेकिन खतरे का सामना करने के लिए हम जिंदा बचेंगे तब तो, और वैसे भी ये दो भूतिया ट्रेन है, इन भूतिया ट्रेन में हम इंसान कैसे बच सकते हैं और हम इन भूतों से कैसे लड़ेंगे। पैसेंजर्स ये सवाल कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर दो भूतिया सिपाही आ जाते हैं और सभी से कहते हैं, आप सभी लोग चिंता मत कीजिए, आप सभी लोगों को हम सुरक्षित आपके अगले स्टेशन पर छोड़ देंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप इस ट्रेन से नीचे ना उतरें, क्योंकि जो भी इस ट्रेन से नीचे उतरेगा वह धरती पर नहीं सीधे नर्क में जाएगा, क्योंकि यह रास्ता कोई मामूली रास्ता नहीं बल्कि नर्क का द्वार खोलता है। लेकिन ये सब हो क्या रहा है, आखिर ये दो भूतिया ट्रेन यहाँ पर कैसे, और अगर जिस ट्रेन में हम बैठे हैं वह ट्रेन भूतिया है तो इस ट्रेन की टिकट क्यों मिलती है। क्योंकि एक ट्रेन आतंकियों की है तो दूसरी ट्रेन हम फौजियों की, टक्कर की वजह से ये दोनों ट्रेन ब्लास्ट हो गई थी और हमें आत्मा बनने के बाद ये मालूम चला कि आतंकियों की ट्रेन हमारे देश को नष्ट करने आ रही थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमारे ही ट्रेन से इनका ब्लास्ट करवा दिया, इससे हम तो मर गए लेकिन हमने अपने देश को बचा लिया। अब तुम सब चिंता मत करना, आराम से जब तक ट्रेन चालू नहीं हो जाती तब तक इसी ट्रेन में रहना। सभी पैसेंजर्स उन भूतिया सिपाहियों की बात मान लेते हैं और तब तक उस ट्रेन के अंदर ही रहते हैं जब तक ट्रेन चालू नहीं हो जाती। ट्रेन की खिड़की से बाहर के नजारे अजीबो गरीब देखने को मिल रहे, कभी लाल रंग की लाइट जल रही थी तो कभी पीले रंग की रोशनी आ रही। यह सब देख यात्रियों के मन में गहरा खौफ बैठ गया था। जैसे तैसे उन लोगों ने वो रात गुजार ली और सुबह के 6 बजे ही ट्रेन चालू हो गई।